इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लोअर मैश के अंदर एक्स एंड वाई डायरेक्शन को कंटिन्यू कर दिया था, पूरा बता दिया है। यहाँ पर एंडिंग में हमारा सेक्शन 11 है। अब हम टॉप बार पर चलते हैं, यानी टॉप मैश में चलते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका अपर लेयर है इसके अंदर 10A एंड 10B है। 10A आपका और 10B आपका सेम डाया का बार है, 12 mm का, स्पेसिंग भी 275, सेंटर टू सेंटर सेम है। बट 10B जो है वो सेकंड लेयर में है आपका। यहाँ पर जो ये वाली लेयर है ये सेकंड लेयर है, ये वाली आपकी फर्स्ट लेयर है इन वाई डायरेक्शन, दिस साइड ऐसे लंबा चलेगा, डॉटेड नहीं है ये। एंड जो 10A है आपका विद 3 नंबर ऑफ बार, जो थर्ड नंबर को हमने स्पेसिफाई कर रखा है हमारी ड्राइंग के अंदर विद 137.5 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, प्लस जो आपका वाई सेक्शन में जाएगा 4+10A थ्रू आउट जाएगा। देखिए फिर यहाँ पर आ जाता है 4+10A थ्रू आउट है, फिर आपका आ जाता है 4+10A थ्रू आउट है। ये जो आपका 4 है वो 4 है 16 mm ऑफ डाया, 275 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग थ्रू आउट, एंड 10A आपका जो मैंने आपको ऊपर बताया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर स्पेस बार है, यानी जो हमारी सेकंड लेयर आती है उसके लिए हम स्पेस बार डालते हैं बीच में। नाउ एक्स डायरेक्शन में हम जाएंगे तो देखेंगे आप अल्टरनेट है सब कुछ, 3 10A 3 10A 3 3 10A 3 10A। लोअर के अंदर थ्रू आउट जो रहेगा, यानी हमारा अपर मैश के अंदर सेकंड लेयर में एक्स डायरेक्शन में जो रहेगा वो 10C 10C एंड 10B, ये आपका थ्रू आउट रहेगा एंड अल्टरनेट पे रहेगा। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जो 10A है वो है आपका 12 mm सेंटर टू सेंटर, 275 फर्स्ट लेयर विथ 3 137.5 सेंटर टू सेंटर, एंड थर्ड नंबर का जो आपका स्पेसिफिकेशन हमने दी है वो 16 mm का डाया है, 275 सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट, यानी थ्रू आउट चलेगा। 10A हमारा अल्टरनेट पोजीशन पे है, ये आप मान के चलिए इस बात को। अगेन आप देख सकते हैं जो डोटेड है हमारा, और ये देखिए जो 10B यहाँ पे लिखा हुआ है डोटेड पे नहीं है, इसके अंदर एरो शो है, यानी जो मैंने आपको थ्रू आउट बताया था इन्होंने बोल्ड में भी दे रखा है, वो यहाँ पर भी शो किया है कि कहीं आपसे कोई चूक ना हो जाए ड्राइंग रीड करने के अंदर। अब ये 10C जो यहाँ पे मैंने बताया, 10C को भी मैंने बता दिया है क्या स्पेसिफिकेशन है, 12 mm का डाया है, 137.5 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा सेकंड लेयर, देखिए ये हमारी सेकंड लेयर है यानी एक्स्ट्रा में है ये, ओके, जो हमारी सेकंड लेयर रहेगी वो एक्स्ट्रा में आ रही है यहाँ पर, यानी इससे 10C एक्स्ट्रा बार डला हुआ है सेकंड लेयर के अंदर, और 10B जो है हमारा वो भी सेकंड लेयर के अंदर एक्स्ट्रा है। ये भी हमारा ऑल ओवर थ्रू आउट यही जा रहा है, देखिए 10A, इस एरो वाले को मत देखिएगा, यहाँ देखिए 10A 3 10A 3। आगे मैं लेके चलता हूँ आपको एंडिंग के अंदर सेक्शन X11 पर। तो अगर आप X11 पे जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 12A भी है हमारे पास, जो हमारे पास 12A है वो शो करता है X डायरेक्शन के अंदर 20 mm ऑफ डाया, 275 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इन फर्स्ट लेयर विद 3 के साथ, ये है अल्टरनेट में स्पेसिंग कम हो गई, तो इसका मतलब जैसे 3 यहाँ पर है इसकी डिस्टेंस 275 है, जब हम 12A को प्लेस करेंगे तो ये स्पेसिंग कम हो जाएगी और ये स्पेसिंग आपकी 137.5 mm रह जाएगी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो आई थिंक आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। इससे आगे कंटिन्यू मैं अगर करता हूँ आपके लिए तो आप ये देखिए लोअर मैश जो हमारे पास है, लोअर मैश के अंदर हमारे पास है 25 का A इन वाई डायरेक्शन, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ 20 mm का है, 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग फर्स्ट लेयर अल्टरनेट विद 22। ये देखिए 22 के अल्टरनेट है एंड 22 आपका यहाँ पर शो कर रखा है, 22 प्लस में 25 भी। 22 की बात करेंगे तो पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ, ये देखिए यहाँ पर 22 है, सेक्शन 55 है, ये भी सेक्शन 55 है, पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। 29 भी मैंने बताया हुआ है, पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको सेक्शन 55 समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा सेक्शन 44।
सेक्शन फोर फोर में हमारे पास थ्री लेयर्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।